दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे गणपत के 21वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 2,40,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 6,82,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 10,17,00,000 का, दूसरे हफ्ते में 81,00,000 और अपने तीसरे वीकेंड में 15,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 18वें दिन में 3,00,000 का, 19वें दिन में 3,00,000 और अपने 20वें दिन मैंने बुधवार के दिन में लगभग 1,00,000 का नेट कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 20 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 11,20,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 13,60,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 2,10,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 20 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 15,70,00,000 हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 115 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हो चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के 21वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 21वें दिन में इंडिया में लगभग 70,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको टाइगर श्रॉफ की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ हिट के साथ कमबैक कर पाएंगे या आने वाली उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होगी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।